हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के सामने एक न्यू चैप्टर लेकर आई हूँ। इस चैप्टर से हमें एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दूंगी इस चैप्टर से, और आई होप इट इज़ यूज़फुल फॉर योर स्टडी। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि हिस्ट्री जो है स्टार्ट हुआ और उसे हमें कैसे जानना चाहिए, हिस्ट्री जो है वो हमारे लिए यूज़फुल कैसे है और किस सोर्स के से जो है हम हिस्ट्री को जान सकेंगे। और यही हमारे इस चैप्टर का नाम भी है, सोर्स ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री एंड व्हेन वेयर एंड हाउ, कब कहाँ और कैसे। आइए इसे मेरे साथ इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि व्हाट इज़ अ हिस्ट्री, हिस्ट्री क्या है। इट इज़ माय ओन डिफिनेशन, हिस्ट्री इज़ अ लाइक अ फैमिली एल्बम बिकॉज इट डील्स विथ इवेंट दैट हैव हैपेंड इन द पास्ट। इट टेल्स अस हाउ पीपल्स लिव फ्रॉम एज टू एज। हिस्ट्री जो है वो ठीक एक फैमिली एल्बम की तरह है, क्योंकि जिस तरीके से एक फैमिली एल्बम जो है हमारे पास्ट को प्रेजेंट करता है, ठीक उसी प्रकार से हिस्ट्री जो है वो भी हमारे पास्ट को प्रेजेंट करता है। पास्ट में घटी कोई भी घटनाएं, कोई भी सेलिब्रेशन, कोई भी मोमेंट जो है वो हमें अगर जानना होता है तो उसके लिए हमें हिस्ट्री का जो है हेल्प लेना होता है। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि समय के अनुसार जो है पीपल्स में, ह्यूमन बीइंग में जो है क्या डेवलपमेंट आए, वो इन्फॉर्मेशन सारा जो है हमें हिस्ट्री के थ्रू पता चलता है। नॉर्मली हिस्ट्री जो है ये आपका एंशिएंट हिस्ट्री जो है ये दो पार्टों में डिवाइडेड है। तो आइए हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री के दो टाइप हैं, प्री हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री क्या है? तो प्री हिस्ट्री इज़ दैट पीरियड अबाउट विच वी डू नॉट गेट एनी इन्फॉर्मेशन इन राइटिंग। प्री हिस्ट्री के बारे में हमें कोई भी जो है रिटन इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है। तो अब आपके मन में ये होगा कि जब कोई रिटन इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हमें उस पीरियड के बारे में कैसे पता चलेगा। तो स्टूडेंट, आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं ये एक्सकवेशन के दौरान, खुदाई के दौरान जो इन्हें मिला है, जो भी अंडरग्राउंड में जो भी इन्हें थिंग्स मिले हैं, जो प्रोडक्ट मिले हैं, उनके रिसर्च से जो है उन्होंने अनुमान लगाया कि इस प्रोडक्ट का यूज़ किया गया है, दैट मीन्स कि जो है ये उनके लाइफ से जुड़ा हुआ है। किसी भी प्रोडक्ट का मिलना, जैसे आप पोर्ट मान लीजिए, आप टूल्स जो है स्टोन टूल्स हो गया, इस सभी सारी चीज़ों से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है कि वो उनका अपने लाइफ में उसका इस्तेमाल क्या करते थे। क्योंकि हमें रिटर्न वे में तो नहीं मिल रहा है, बट जो है हम जो है एक अनुमान लगा रहे हैं। और ये जो है अनुमान किसके द्वारा लगाया गया? तो आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा, आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा लगाया गया, उनके रिसर्च के द्वारा जो है हमें ये पता चलता है प्री हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री क्या है? तो हिस्ट्री रिफर टू द पीरियड अबाउट विच रिटन डॉक्यूमेंट्स आर अवेलेबल। हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री में आपका क्या बोल रहे हैं कि हिस्ट्री के बारे में जो हमें रिटन डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अवेलेबल मिलते हैं, और वो कैसे अवेलेबल मिलते हैं? तो उस समय के लोग जो हैं पढ़ना लिखना जानते थे, जान रहे थे। ये अलग बात है कि उनकी जो लैंग्वेज अलग थी, वो किस तरीके से लिखते थे, लेकिन हमारे मन में एक ये भी बात है कि क्या उस समय पेपर का इन्वेंशन हो चुका था? बट नहीं, पेपर का इन्वेंशन जो है वो आगे जा कर के हुआ था आपका। और उससे पहले जो लोग हैं लिखते थे किस में, तो आपका बार्क ऑफ ट्री हो गया, पल्प लीप्स हो गया, एनिमल स्किन हो गया, इन सभी चीज़ों का जो है वो इस्तेमाल किया करते थे लिखने में। और वो सब सारे प्रोडक्ट जो हैं हमें एंशिएंट हिस्ट्री के सोर्स के रूप में हमारे सामने जो हैं वो प्रेजेंट हैं। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सोर्स ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री के जो हैं सोर्स क्या हैं। तो स्टूडेंट, एंशिएंट हिस्ट्री के सोर्स जो हैं वो दो हैं, लिटरेरी सोर्स और आर्कियोलॉजिकल सोर्स। लिटरेरी सोर्स जो हैं वो भी आपके दो पार्ट में डिवाइडेड है, रिलीजियस लिटरेरी और सेकुलर लिटरेरी। आर्कियोलॉजिकल जो हैं ये आपका जो है कुछ पार्ट में डिवाइडेड है, जैसे मॉन्यूमेंट,
इंस्क्रिप्शन, आर्टिफैक्ट्स, क्वाइन, टूल्स। अब आइए हम लोग इसे जो है डिटेल में देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जो है ये हमारे लिए यूज़फुल है एंशिएंट हिस्ट्री को जानने में। रिलीजियस लिटरेचर। रिलीजियस लिटरेचर जो है ये आपका लिटरेरी सोर्स का एक पार्ट है और ये जो है हमारे लिए एंशिएंट हिस्ट्री का बेस्ट सोर्स है। देखिए क्या है, द फोर वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अजुर्वेद, अथर्ववेद। उसके अलावा जो है ये महाभारत, रामायण एंड जातक, ये सब सारे जो है हमें कहीं ना कहीं जो है हमारे लिए ये यूज़फुल हैं और इससे हमें उस समय के लैंग्वेज के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलता है कि उस समय के लोग जो है किस लैंग्वेज में जो है वो लिखा करते थे, किस लैंग्वेज में जो है उनकी स्टडी हुआ करती थी, किस लैंग्वेज को जो है वो लोग अपनाते थे। तो प्राकृतिक लैंग्वेज है आपका, पाली लैंग्वेज है, फिर आपका जो है संस्कृत लैंग्वेज है, ये सब सारे लैंग्वेज जो है एंशिएंट पीरियड में यूज़ किए जाते थे। ने आपका जो है फिर है जातक जो है ये जो है भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ है और ये जो है उनकी पूर्ण जन्म की जो है इसमें स्टोरियाँ मिल जो है वो है और उस समय के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन मिलता है। ऋग्वेद, सामवेद, अजुर्वेद, अथर्ववेद, महाभारत, रामायण, ये सब सारे से जो है हमें इंफॉर्मेशन मिलता है उस समय के कल्चर के बारे में, उस समय के ट्रेडिशन के बारे में कि किस तरीके से जो है किस टाइप का जो है उस समय के लोगों का ट्रेडिशन था, क्या उनकी कल्चरल थी, क्या उनका जो है कास्ट सिस्टम था, किस तरीके का जो है उनका वर्ण सिस्टम था, ये सब सारे इन्फॉर्मेशन जो है हमें इन सब सारे बुक्स के माध्यम से जो है रिलीजियस लिटरेचर के माध्यम से मिलता है। नेक्स्ट है आपका, देखिए ये महाभारत जो है ये भी जो है आपका ये रिलीजियस लिटरेचर है। नेक्स्ट है आपका सेकुलर लिटरेचर। सेकुलर लिटरेचर जो है ये, इसे सेकुलर लिटरेचर क्यों कहा गया, क्योंकि ये जो है किसी भी तरीके से धार्मिक नहीं है, दैट मीन्स कि ये धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। जैसे कि देखिए सेकुलर लिटरेचर में अर्थशास्त्र रिटन बाय कौटिल्य, अर्थशास्त्र जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो कौटिल्य के द्वारा। कौटिल्य को हम लोग किस नाम से भी जानते, किसी और नाम से भी जानते हैं, चाणक्य के नाम से। और जो है अर्थशास्त्र जो है ये हमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, उसके पॉलिटिकल और सोशल कंडीशन के बारे में। हर्षचरित रिटन बाय बाणभट्ट, हर्षचरित जो है ये बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था और इससे जो है हमें हर्षवर्धन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। संगम टेक्स्ट इन तमिल, संगम टेक्स्ट को जो है तमिल लैंग्वेज में लिखा गया है, तमिल से हमें सीधा जो है एकदम एग्जैक्टली ये क्लियर है कि ये साउथ से रिलेटेड है। तो संगम टेक्स्ट जो है ये साउथ का था और इससे जो है हमें साउथ के बारे में, साउथ एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है और उस समय के जो है डायनेस्टीज, उस समय के एम्पायर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलता है। जैसे कि आप चोलास, जयराज, पांड्याज, ये सब सारे जो एम्पायर थे उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन जो है ये संगम टेक्स्ट से मिलता है। कौटिल्य अर्थशास्त्र जो है आपका ये जो है सेकुलर लिटरेचर है। नेक्स्ट है आपका आर्कियोलॉजिकल सोर्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्स जो है ये भी अभी हम लोगों ने देखा कि ये भी कुछ पार्टों में डिवाइडेड है, तो चलिए इसे हम लोग वन बाय वन देखते हैं। मॉन्यूमेंट फर्स्ट है आपका, मॉन्यूमेंट रूइंस ऑफ द बिल्डिंग्स, कैब, स्तूप्स एंड टेम्पल्स। क्या बोल रहा है आपका यहाँ पे कि रूइंस ऑफ द कैब, स्तूप एंड टेम्पल, जो भी जो है हमें खंडहर वगैरह जो है मिले वो सब सारे जो है कहीं ना कहीं जो है हमारे लिए यूज़फुल हैं। मॉन्यूमेंट बिल्डिंग्स, जो ओल्ड बिल्डिंग्स वगैरह जो हुआ जो होते थे वो आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा जो है इसकी स्टडी की जाती थी और इसके बारे में जो है इंफॉर्मेशन जो है वो इकट्ठा किया जाता था सर्वे के करके और इससे जो है हमें उस पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। जैसे कि उस पीरियड में आप स्तूप ले सकते हैं, टेम्पल हो गया आपका, कैब हो गया, सब सारे जो है हमें उस समय के रिलीजियस, सोशल, कल्चरल लाइफ के बारे में जो है हमें नॉलेज जो है वो प्रोवाइड करता है। फिर आपका महाबली टेम्पल, महाबलीपुरम टेम्पल। महाबलीपुरम टेम्पल जो है ये जो हमें साउथ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, उस समय के रिलीजियस और कल्चरल इंफॉर्मेशन हमें जो है प्लस इकोनॉमिक कंडीशन भी जो है हमें इससे पता चलता है। नेक्स्ट है आपका आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स क्या है, तो कैप पेंटिंग्स, बोन्स एंड पर्सन एंड एनिमल्स, स्टोन एंड मेटल टूल्स। आर्टिफैक्ट्स
उससे जो है हमें उस समय के जो प्रोडक्ट जो मिले हमें, वो सारे इन्फॉर्मेशन जो है हमें उस समय उस प्रोडक्ट से हमें पता चल जाते हैं। जैसे कैप पेंटिंग्स, तो गुफाओं में जो पेंटिंग वगैरह जो किए जाते थे, उससे हमें उस समय की कला आर्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलता है कि उनके उनका जो आर्ट स्किल जो है वो कितना डेवलप था। बोन्स ऑफ पर्सन एंड एनिमल्स, पर्सन और एनिमल्स के बोन से भी हमें उनके कल्चर के बारे में और उनके ट्रेडिशन के बारे में पता चलता है। स्टोन एंड मेटल टूल्स, स्टोन एंड मेटल टूल्स से हमें ये पता चलता है कि पीपल्स जो हैं उस समय के जो पीपल्स थे वो स्टोन टूल्स और मेटल टूल्स के बारे में अच्छे तरीके से जानते थे और उसका वो अपने डेली लाइफ में किस तरीके से जो है वो इस्तेमाल करते थे, ये भी इंफॉर्मेशन हमें जो है इससे पता चलता है। नेक्स्ट है आपका क्वाइन, क्वाइन आर मेड ऑफ गोल्ड सिल्वर कॉपर एंड क्वाइन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द रूलर्स एंड देयर एडमिनिस्ट्रेशन। क्वाइन जो है उस समय जो है क्वाइन सिल्वर कॉपर गोल्ड ये सब सारे चीज़ों से जो है बनाए जाते थे और क्वाइन जो है हमें इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता था उस समय के रूलर के बारे में और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। जैसे कि आप एक एग्जांपल में ले सकते हो कि क्वाइन अगर किसी रूलर ने इशू करवाया है तो हमें उस रूलर के का नाम पता चलता है उस क्वाइन से, क्योंकि जो भी रूलर जो होते थे जब क्वाइन इशू करवाते थे तो उसमें उस रूलर का नाम जो है वो मेंशन होता था प्लस ईयर मेंशन होता था, तो इससे हमें उस पीरियड उस रूलर के बारे का नाम और उस ईस्वी के बारे में पता चल जाता है कि किस रूलर का ने इसे इशू करवाया था और किस पीरियड में जो है वो शासन कर रहा था। नेक्स्ट है टूल्स, टूल्स जो है ये भी हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल है। टूल्स टेल अस अबाउट द काइंड ऑफ लाइफ दोज पीपल्स लीव्ड, दे ऑल्सो टेल अस अबाउट देयर वर्क एंड सोसाइटी। टूल्स जो है ये भी हमें जो है उस समय के लाइफ के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जैसे कि आप टूल्स है तो इससे हमें ये पता चलता है कि टूल्स का जो है वो लोग कहीं ना कहीं हंटिंग के लिए टूल्स का जो है अपने डेली लाइफ में किस तरीके से इस्तेमाल करते थे, वो सारे इंफॉर्मेशन हमें पता चलते हैं प्लस क्या काम करते थे उस टूल्स से, जैसे हंटिंग करना, फिर आपका जो है कल्टिवेशन करना, ये सब सारे इंफॉर्मेशन जो है हमें टूल्स से मिलते हैं और उनके सोसाइटी के बारे में भी इंफॉर्मेशन जो है हमें टूल्स से मिलते हैं। तो स्टूडेंट ये थे हमारे इस चैप्टर के एंशिएंट हिस्ट्री के सोर्स। आई होप ये आपके लिए यूज़फुल हो और आप इसे अच्छे तरीके से समझे हो। थैंक यू सो मच फॉर द वाचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।